बिल्कुल, सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश मंत्री। आज की जो प्रेस वार्ता है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की प्रदेश इकाई द्वारा की गई है। अभी हमारे रिसेंटली हमारा एक जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक वो उधमपुर में संपन्न हुई 18-19-20 तारीख को, जिसमें कई विषयों पे, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज पे कई एक गंभीरता से चर्चा की गई, जिसमें SSC का एक डिसीजन जो एंटी रिक्रूटमेंट है, स्टूडेंट्स को जो नए पास आउट होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट में परेशानी आने वाली आगे टीचिंग लाइन में, उसके रिगार्डिंग भी ये एक वो किया गया, जिसका समर्थन पुरजोर तरीके से विद्यार्थी परिषद करता है और गवर्नर साहब से मांग करता है। जो भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट को लेकर आपने इंक्वायरी बिठाई है उसका फैसला जल्द से जल्द आए और स्टूडेंट्स का जो इशू है वो ड्रेस हो। उसी के साथ साथ अभी 6th semester की जो एडमिशन का एक प्रॉब्लम चल रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन निकली है उसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन डिनाई किया जा रहा है 6th semester में। विद्यार्थी परिषद ऐसी नोटिफिकेशन का खंडन करती है और यूनिवर्सिटी से मांग करती है कि इन छात्रों को जल्द से जल्द एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी सिक्योर करे और इनको एडमिशन वापस अपने अपने कॉलेज कैंपस में रेगुलर जो एडमिशन वो जो है वो दिया जाए। उसी के साथ साथ एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक राष्ट्र प्रदेश व्यापी अभियान जो है वो लिया गया, जिसमें वोटर अवेयरनेस कैंप हमारा जो है वो रहने वाला है 1 से लेकर 15 फरवरी तक, जिसमें की पूरे प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद वोटर अवेयरनेस, एक तो जो नए वोटर्स हैं उनके साथ साथ जो पुराने वोटर्स हैं उनमें 100% मतदान करने का एक जो वोटर अवेयरनेस है वो हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ नो टू नोटा नहीं, यस टू डेमोक्रेसी को लेकर भी हमारा जो नुक्कड़ नाटक और सभाएं जो रहने वाली हैं उसमें भी हमारा अवेयरनेस कैंपेन रहेगा 1 से लेकर 15 फरवरी तक, जिसमें हमारा की प्राइम टारगेट ये है कि हम लोग 100% मतदान कराए और जो न्यू वोटर है कम से कम वो अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव है उसे इलेक्ट करें, उनको रिजेक्ट ना करें और वो नोटा को रिजेक्ट करें। हमारा ये अवेयरनेस कैंपेन पैम्फलेट, स्टिकर्स और उसके साथ साथ पोस्टर्स के माध्यम से हम लोग अपना जो अभियान है उसको फॉलो करेंगे। उसमें 2 और 3 तारीख को जो हमारा पोस्टर और स्टिकर चिपकाने का अभियान रहेगा, जिसमें 50,000 पोस्टर जो है पूरे जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स पब्लिक प्लेसेस में हम लोग पोस्टर चिपकाएंगे। उसके साथ साथ ही हम लोग जो है 3 तारीख को स्टिकर्स पूरे जितने भी कॉलेज कैंपसेस और यूनिवर्सिटी कैंपसेस ऐसे पूरे जम्मू कश्मीर में 2 लाख स्टिकर्स जो है हम लोग नो टू नोट एंड यस टू डेमोक्रेसी के अवेयरनेस को लेकर हम लोग चिपकाने वाले हैं। उसी के साथ साथ 5 रथ यात्राएं हमारे जो विभाग केंद्र है उनमें शुरू होंगी और पंचायत लेवल तक जो रथ यात्राएं हमारी जो जाएंगी उसका हमारे उसमें पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश भर में 5 लाख ऐसे पैम्फलेट हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लोगों को मतदान करने के लिए अवेयर करेंगे। और ये कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल कैंपेन रहने वाला है। हम समाज से ये आग्रह करते हैं वो इस हमारा वोटर अवेयरनेस कैंपेन में और जो यूथ है खासकर वो बड़े नंबर में इस वोटर अवेयरनेस कैंपेन में हम हमारे साथ जुड़े और 100% वोटिंग जो है हम लोग इस बार जम्मू कश्मीर में कराने का प्रयास करेंगे। आज ही एक विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल जो है वो शैलेंद्र कुमार जी जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनसे भी मिला है और उन्होंने हमें कई अपनी जो योजनाएं हैं चाहे वो स्वीप है या फिर अलग अलग जो भी वोटर्स डे नेशनल वोटर्स डे जो भी सेलिब्रेट होने वाला है उसको लेके भी उन्होंने हमें जानकारी दी है। और उसके साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर में ऑफिसर साहब के साथ जब हमारी बात हुई तो स्वीप जो इनकी एक योजना है उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं और उसको कैंपसेस में जो वोटर रजिस्टर नहीं हुआ है नया उन्हें रजिस्टर करने में हम चीफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन का हम लोग सहयोग करेंगे। और हम लोग नए वोटर से आग्रह करते हैं कि अपने आप को जल्दी जल्द पंजीकृत कराएं ताकि आप आने वाले जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकें और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है वो स्थापना कर सकें और लोकतंत्र की विजय हो हमारा इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में और जो हमारा वोटर अवेयरनेस कैंपेन में हमारा ये रहेगा कि लोकतंत्र की विजय हो, लोकतंत्र स्थापित हो और हम सब जो है यूथ और समाज वो मतदान करें और मतदान करके एक अच्छी सरकार हम लोग जो चुने ऐसा ही हमारा प्रयास इस वोटर अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से रहने वाला है। हम आप मीडिया साथियों को सबका धन्यवाद।